यानी मगर दिनदारू आज शनिचरवार है सॉरी गला भी थोड़ा अभी थका हुआ है हमारे शास्त्र के अंदर ज्ञानों ने 600 साढ़े 600 ज्ञान है और त्रितक के करीब दूसरी किताबें हैं छोटी भी हैं बड़ी भी हैं 3-4 पेज की किताब है और 500 पेज की चौपड़ियां भी हैं। कुरान शरीफ के अंदर 3 आयतों का सूरा भी है और 286 आयतों का सूरा भी है। थोड़ी वॉल्यूम कम कर दो तो हमारे शास्त्र के अंदर तीनों ने जो कुछ भी हमें बताया उसमें दुनिया दुनिया का इल्म है, रूहानियत भी है, आत्मा की चीजें, मानसिक चीजें और इसी तरह से शारीरिक चीजें भी हैं। मियां बीवी का आपस के अंदर कैसा सलूक होना चाहिए ये भी हमको ज्ञान में बताया है। जैसा कि पुरुष नादीनो एक जे धर्म राखो खमिया तो ना लागे करम आदि पुरुष नारीनो पुरुष नारीनो एकज धर्म धर्म कहते हैं वो सिद्धांत के जिस पे चलने के लिए हुक्म किया गया यानी कि मजहब दीन। धर्म का मतलब ड्यूटी भी है, धर्म का मतलब रास्ता भी है, धर्म का मतलब सिस्टम भी है, मल्टीपल मीनिंग्स हैं इसके। औरत मर्द का एक ही फर्ज है, एक दूसरे के लिए खामियां करो तो तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा नहीं मिलेगी। फैमिली लाइफ में टॉलरेंस बहुत बड़ी चीज है। 2 घंटे पहले मैंने मासूम जमात खाने के अंदर वाद करते करते यही बात बताई कि हमारा धर्म, हमारा ईमान, हमारी क्रियाकर्म, हमारी इबादत, हमारी रसूम कुछ काम की नहीं अगर हमारी लाइफ के अंदर हमारे आमाल अच्छे नहीं। मजहब हमको सुख देने के लिए आया है, मजहब हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने आया है, मजहब हमें शांति देने आया है, मजहब खुशियां देने आया है। लेकिन अगर हमारी लाइफ में खुशियां नहीं, शांति नहीं, सुख नहीं, आराम नहीं, मोहब्बत नहीं, संप नहीं तो फिर मजहब के ऊपर तो हम नहीं चल रहे। जिस दवा के खाने से हमारी बीमारी नहीं जाती वो दवा किस काम की? हमारी तस्बीहां, हमारी नियाज, हमारे सतारे, हमारी दुआएं और फिर दूसरी तरफ धनी धनियानी मियां बीवी लड़ रहे हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं, एक दूसरे की औरतें उठा रहे हैं, एक दूसरे के मर्द उठा रहे हैं, औरतें अपने हस्बैंड को छोड़ के दूसरे मर्द के साथ चल रही हैं और मर्द अपनी बीवी को छोड़ के प्राइवेटली दूसरी औरतों के साथ चल रहा है। क्या ये इस्माइली मजहब है? ऐसा करने से हमें सुख शांति नहीं मिलेगी, हम तो दुख में पड़ते जाएंगे, दुख बढ़ते जाएंगे, प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी, मेंटल टेंशन बढ़ती जाएगी, नर्वस सिस्टम बिगड़ जाएगा, आत्मा तो गायब हो जाएगी।
ہمارے مذہب کے اندر جو کچھ ہمیں بتایا ہے وہ ایسی چیزیں ہیں، اگر ہم اپنے مذہب کے حکم کے اوپر عمل کریں تو میں آپ کو سچ کہتا ہوں، بھلے یہ دنیا کل جگ ہے لیکن ہمارے دلوں کے اندر ست جگ جیسی سکھ شانتی اور محبت رہ رہے، ہمارے اندر ٹالرنس رہنی چاہیے۔ میں عرض کرتا تھا یہ کہ ہمارے جو گنان ہیں، ہمارا جو گنانک لٹریچر ہے، گئے 10-12 سال سے کچھ ایسا سما پیدا ہوا کہ بعض آدمیوں نے جماعتوں کے اندر یہ غلط دوشت کر دی کہ یہ جو گنان ہے نا یہ تو ہندوؤں کو بتلانے کے لیے بنائے گئے، گنان تو کچھ نہیں، مگر گنان ہی سب کچھ ہے۔ گنان اکسلف جو ہے وہ مرشد ہے، کیونکہ پیر نے کہا کہ گنان مائیں تو صاحب چھے، مولا نورانی حالت میں گنان میں چھپا ہوا ہے، یہ علم ہے، علم کا سیکھنا علم کا سکھانا دونوں عبادت ہے۔ الحمدللہ میں بھی عبادت کر رہا ہوں اس وقت آپ کو آواز کرتے کرتے، اور آپ بھی میری آواز سنتے ہو تو عبادت کر رہے ہو۔ حضرت مولانا دھنی سلامت سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ جام نگر گئے ایک دفعہ، مکھی کو کہا مکھی ایک طرف میں بیٹھا ہوں، ایک طرف جماعت خانہ ہے دعا پڑی جاتی ہے، ایک طرف ایک مشنری آواز کرتا ہے، تم جماعت کو لے کے پہلے کہاں جاؤ گے؟ تو کہتے ہیں مولا جہاں تو بیٹھا ہے دیدار کے لیے۔ تب بولے نہیں مکھی یہ بات برابر نہیں۔ تو کہتے ہیں دھنی تو بول کیا کرے؟ مولا فرمایا پہلے مشنری کے پاس جماعت کو لے جاؤ، علم سیکھے جنان سیکھے سمجھ آوے، پھر اس کے اوپر عمل کرو، یعنی دعا پڑھو بندگی کرو دسوند دو، اس کے بعد میرا دیدار ہوتا ہے۔ تو ہمارے جو گنان ہیں اس کے اندر دنیا دین کی سکھامنے ہیں۔ آج گرو کی صدر دین ماں رب کی میں آپ کو سکھامن، جس کو ہم 100 کریا کہتے ہیں، 100 باتیں، وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ تو گرو کی صدر دین کی یہ جو کریا ہے، کچھ بھائی بہنوں نے اس کا راز بھی بدل دیا ہے اور میں آپ کو یہ ستوینی کے راز کے اوپر اس کا راز ہے، 2-4 پاٹھ بالکل صحیح راز میں بول کے پھر میں تھوڑا ذرا جلدی جاؤں گا۔ مولانا حضرت امام صاحب سلوات پڑھو مومنوں اللہ پرتھم، اس کی آواز والیوم پلیز تھوڑی کم کر دو، ایک کو پڑتا ہے۔ پرتھم ہردے دھوئی نے نر مل کری آئی، پرتھم ہردے دھوئی مل کری بیج کریا نہیں جمی رے بھائی، بیج کریا نہیں جمی ست چالو تمہیں دیوس نے رات رے بھائی، ست چالو تمہیں دیوس نے رات، کوڑ کپتنی میلو گھات رے بھائی، کوڑ کپتنی میلو تمہیں میلو گھات۔ سب سے پہلے اپنے من کو صاف کر کے ہردے دھوئی میں
हृदय पानी से धोया नहीं जाता, आत्म शरीर पानी से धोया जाता है। हृदय धोने का मतलब उसको इल्म ज्ञान के पानी से साफ करो। अज्ञानता, इंग्लिश में उसको इग्नोरेंस कहते हैं, वो एक गुनाह है। अरबी जबान के अंदर इग्नोरेंस को जहालत कहते हैं। तो नबी कहते हैं, मैंने जो आपको कहा कि वो गुनाह है, तो उसका मैं आपको एविडेंस दे रहा हूं, रेफरेंस दे रहा हूं। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, मन लम यारुफ इमाम ज़माना ही माता मैसतन जहलिया। जिस आदमी ने अपने जमाने के इमाम की शनाख्त नहीं की, फकद माता मैसतन जहलिया व जाहिल फिन्नार, वो जहालत की मौत मरता है और जाहिल जो है वो आग में पड़ते हैं। आग का मतलब दुख, दोजख आग है। लेकिन बहुत से लोग समझते हैं कि दोजख कोई जगह है आसमान के ऊपर। दोजख कोई फिजिकल जगह नहीं, दोजख कोई ज्योग्राफिकल प्लेस नहीं। इंसान के मन के अंदर एक कुआं है, कुआं वेल को कहते हैं। फिर सदरुद्दीन हसन कबीरुद्दीन फरमाया कि दोजख घट अंदर कुआं अगंदा है जी। दोजख घट अंदर कुआं अगंदा, पिया शैतान केरा थाम जी। तुम्हारे घट में एक अगन का कुआं है, उधर शैतान रहता है। अग्नि का कुआं क्या है? हसद, निंदा, कीना, हेट्रेड, प्राइड, ये बदियां बुराइयां जब हमारे दिल में आती हैं, आदमी सेल्फिश हो जाता है, मन अंधा हो जाता है। इस वजह से रूह जो है इंसान की, वो छुप जाती है, शैतान बैठ जाता है। और शैतान उस आदमी से बुरे बुरे काम करवा के गुनाह करवाता है, फिर वो आदमी के हृदय के अंदर से शांति निकल जाती है, अशांति आ जाती है, अक्ल निकल जाती है, बेअक्ली आ जाती है, सच्चाई निकल के झूठ आ जाता है, आंख की शर्म निकल के बेहयाई आ जाती है। इंसान के अंदर जो हम्बलनेस है, ह्यूमिलिटी निकल जाती है, वो आदमी प्राउड हो जाता है। उस आदमी को ऐसा होता है, मेरे जैसा कोई नहीं। फिर वो दुखों में पड़ता है, मन अशांत रहता है, अंदर गम और दुख रहते हैं। हर वक्त इंसान स्ट्रेस में रहता है, टेंशन में रहता है। कभी हाई ब्लड प्रेशर होता है, कभी उसको पेट में अल्सर होता है, कभी हार्ट डिजीज होते हैं, कभी डायबिटीज होती है। ये सब चीजें फिर उसको दुख देती हैं, उसका मन अशांत रहता है, अच्छा नहीं लगता। इन चीजों को मिटाने के लिए इंसान एक गुनाह को छुपाने के लिए दूसरे गुनाह करता है। किसी यार ने कह दिया थोड़ी सी ब्रांडी पी लो, थोड़ी सी विस्की पी लो, उसके नशे में तुम भूल जाओगे। कोई औरत मिल गई, उसकी मोहब्बत के अंदर इंसान और भी गुनाह में पड़ गया। घर में खूबसूरत औरत है, लेकिन वो दूसरी औरतों के पीछे जा रहा है। नेक अच्छा मर्द है, मगर औरत ने दूसरे मर्दों के साथ अंक लड़ानी शुरू कर दी। क्या ये जीवन है? क्या ये लाइफ है? वाइफ हस्बैंड लड़ते हैं, बच्चे देखते हैं। भले वो बच्चा एक बेबी भी है, लेकिन माँ और बाप जब तीखे तीखे शब्द एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं, तो वो बच्चा बोलता नहीं, समझता नहीं, लेकिन उसकी सब कॉन्शियस के अंदर वो चीज रिकॉर्ड हो रही है। उस बच्चे को कुछ पता नहीं, एहसास नहीं, लेकिन ज्यों ज्यों बच्चा बड़ा हो जाएगा, उसके दिल के अंदर ये दो में से एक, या माँ या बाप, एक को वो हेट करेगा। बच्चा
माता पिता में से एक को हेट करेगा, जिसकी तरफ उस बच्चे की ज्यादा वलन और मोहब्बत होगी उसको चाहेगा, दूसरे को हेट करेगा, या बाप को हेट करेगा या माँ को हेट करेगा, रहेगा खाएगा पिएगा डैडी बोलेगा मम्मी कहेगा, लेकिन उसकी सब कॉन्शियस के अंदर हेट्रेड पैदा हो गई और वो हेट्रेड माँ और बाप ने लड़के पैदा की है। हमारी तस्वीरें, हमारे घिनान, हमारे फरमान, हमारी दुआएं, मजहब की सब क्रियाकर्म हमको दुनिया में सुख देने के लिए आई है। अगर हम अपने मौला के फरमान पे अमल करें तो ये चीजें जो है ना वो हमारे जीवन में आती हैं, हमारे जीवन के ऊपर असर करती हैं। एक मिसाल दूं, तीन वक्त की दुआ, मतलब मौला को परवाह है हम दुआ पढ़े कि ना पढ़े, उसका कुछ बिगड़ जाता है, लेकिन चूंकि वो हमसे प्यार करता है, मौला ने हमें पैदा किया है, उसको हमारे ऊपर हेत है। वो कहता है तीन वक्त की दुआ बराबर पढ़ो। दुआ पढ़ने वाला आदमी रेगुलर होता है, दुआ रेगुलरिटी सिखाती है, दुआ पंक्चुअलिटी सिखाती है, दुआ इंसान की ड्यूटी और फर्ज को निभाना सिखाती है। क्योंकि जो आदमी रोज दुआ पढ़ेगा उसकी हैबिट्स के अंदर ये चीज आ जाएगी कि वो किसी सेठ की नौकरी करेगा तो वो रेगुलर भी होगा पंक्चुअल भी होगा, क्योंकि दुआ रेगुलरिटी पंक्चुअलिटी सिखाती है। दुआ एक और चीज सिखाती है, कंसंट्रेशन सिखाती है। हम अपना काम कर रहे हैं खंत के साथ इंटरेस्ट लेके काम करेंगे, जो आदमी ओपरे मन से काम करता है उस काम के अंदर सक्सेस नहीं होती। तो इंसान का जो अंतकरण है उसकी बदियां बुराइयां डर्ट निकल जावे, क्लीन हो जावे, तो क्लीन कैसे होवे? इल्म से क्लीन होवे। इल्म को पानी कहा गया, इस अदर्दिन फरमाते हैं प्रथम हृदय धोई ने निर्मल करिए। तुम पहले अपने मन को साफ करो, तुम्हारे दिल में किसी का हसद ना हो, तुम किसी को हेट मत करो, किसी की बदी मत करो, किसी की बुराई मत करो, किसी पे बद नजरी ना करो, किसी के माल के ऊपर अपना ख्याल मत जमाओ, किसी का हक ना खाओ, किसी पे जुल्म ना करो। ये सब चीजें हैं जिससे मन पाक होता है, और जो पाक साफ दिल होता है हृदय उसमें ये चीजें नहीं होती, तो मन साफ रहता है। आपको मालूम है हमारे गिनानों के अंदर ऐसा कहा है, भोरे मने करे वो, भोरे मने का मतलब पाक साफ दिल वाला, भोले मन का मतलब बेवकूफ बुद्धू नहीं, भोरे मन रेवो निर्जनहार, साफ दिल से पाक दिल से प्योर माइंड से अपने क्रिएटर को तुम याद करो। तो फरमाते हैं सबसे पहली क्रिया यह है कि तुम अपना मन साफ करो। तुम्हारा बड़े से बड़ा दुश्मन भी होवे, कभी वो दुख में आ गया उसकी मदद करो। किसी ने तुमको दुख दिया है तो फिर कहते हैं भूल जाओ, उसके लिए दुआ करो, क्योंकि अगर वो समझदार होता तो दूसरे को दुख न देता, लेकिन तुम समझदार हो इसके लिए छोड़ दो। कभी एक कुत्ता भौंकता है तो हम चुपचाप चले जाते हैं, हम कुत्ते के सामने खड़े होकर भौं भौं नहीं करते। एक खराब आदमी है वो खराब, लेकिन कभी वो दुख में आ गया है तो जाके मदद करो, उसको शर्म आएगी, अरे मैंने इसके साथ बुराई की, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके अंदर आगे आएगा। इसी क्रिया के अंदर आप सुनोगे ये बात, लेकिन मैं आपको एक रसूलुल्लाह की एक बात सुनाऊं। नबी करीम रहमतुल्लिल आलमीन, खुदा की रहमत का मैनिफेस्ट, एक दिन नबी का एक दुश्मन कोई बाहर गांव से ताइफ से आया। ताइफ का गांव थोड़ी दूर है मक्का से, इधर आया और नबी के घर पे उसने आवाज लगाई। शाम का वक्त था, नमाज पढ़ते तो नबी बैठे थे, दरवाजा खोला तो एक शख्स ने कहा यार मोहम्मद मैं मुसाफिर हूं, मुसलमान नहीं था, मुझे जगह मिलेगी सोने की? आओ दरवाजा खोला।
अंदर बुलाया, घर में कुछ थोड़ी सी खजूरें पड़ी थी ला के सामने रखी। नबी खुद जिस रूम में सोते थे उसमें जमीन के ऊपर एक चमड़े का गदेला था, मैट्रेस जो थी वो चमड़े की थी और उसके अंदर जो खजूर के पत्ते थे वो भरे हुए थे और चमड़े का ही एक पिलो था। नबी ने अपना बिस्तर उसको दिया, मेहमान है ना उसकी बड़ी इज्जत करो। एक आखा जिनान मेहमानों के ऊपर सदरुद्दीन ने लिखा है। हमारे अंदर बहुत अच्छाइयां हैं इस्माइली मजहब में, हमको हर बात सिखाई गई। उसने खाया पिया सो गया, रसूलुल्लाह बाहर जाके सो गए। सुबह हुई तो नबी तो चले गए मस्जिद के अंदर। ये आदमी उठा, इसने देखा कि अभी घर में कोई नहीं। इस बेवकूफ ने नबी के इस गदेले के ऊपर पखाना किया, टॉयलेट कर दिया और भाग गया। वो आया थी इसी नियत से, लेकिन भाग गया, अपनी तलवार छोड़ गया लटकती हुई, भूल गया। नबी वापस आके बाहर सो गए। जब भी दिन निकला तो कुछ थोड़ी सी खजूर की आश बनाई थी, जूस की तरह, सूप की तरह। दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं आया। बहुत लगाया हाथ मगर कोई जवाब नहीं आया। तो नबी ने कहा देखो मैं तुमको उठाने के लिए अंदर आता हूँ, मैं अंदर आता हूँ, मैं अंदर आता हूँ। ऐसा कैसे? दरवाजा जरा सा खोला तो अंदर से खराब बात आने लगी। दरवाजा खोला तो वो तो नहीं था, गदेले के ऊपर टॉयलेट किया हुआ था। नबी ने अपनी पगड़ी लेके नाक के ऊपर ऐसा बंद कर दी, उठा के गदेला बाहर ले गए। सुबह तड़के था, नौकर चाकर किसी को पता नहीं लगा। दो जहान का नबी, उसने अपने मेहमान का मुंह साफ किया, धूप में रख दिया। अंदर आके देखा तो उसकी तलवार लटकी हुई थी। वो जमाने के अंदर लोग अपना नाम लिख छोड़ते थे, तलवार उतार के उसके हैंडल के ऊपर उसका नाम लिखा था, गांव का नाम लिखा था। रसूल अकरम ऊंट पर बैठे उसके घर गए गांव में। गांव में पूछते पूछते वो आदमी का मकान मिला, दरवाजा ठोका, जब अंदर से निकला तो नबी को देख के काला हो गया। देखो दो जहान के मालिक, हुजूर कहते हैं मेहमान तुम्हारे लिए मैंने नाश्ता तैयार किया, तुम कहे बगैर चले आए, कोई मेरा कसूर हो गया, तुम्हारी मेहमानदारी में कुछ तकलीफ हुई तो मुझे माफ कर दो, तुमने ये तलवार भूल गए थे मैं लेके आया हूँ। ऐसा तलवार देते नबी साहब सलाम करके चले गए, कुछ नहीं कहा कि तूने क्या किया। कभी हम होते तो मालूम है क्या करते, वही तलवार से उसको मार दे। ये आदमी के हाथ में तलवार रही, नबी साहब जा रहे हैं, देख रहा है लेकिन शरीर की ताकत निकल गई। इसके ऊपर इतना असर पड़ा, जब नबी बहुत दूर चले गए ये थोड़ा सा रिकवर हुआ, पीछे भागा, जाके मौल नबी के पांव पे गिरा, रो पड़ा, माफी मांगी, मुसलमान हो गया, हमारा मजहब ऐसा है, हमारा दीन ऐसा है। तो ये हृदय साफ करने की बात है। इस्माइली मजहब है वो नूर है, और वो नूर उसमें ही रहता है कि जो साफ दिल का है। मतलब आपको दूध डालना है किसी बर्तन बासन के अंदर, अगर कोई प्याला के कोई बाउल गंदा है खराब है तो आप उसमें दूध नहीं डालोगे, उसको साफ करोगे। अपने मन के बाउल को साफ करके उसमें दूध जैसा नूर हजर इमाम का दीन डालो। तो फिर दूसरी कहते हैं, दूसरी क्रिया ये है कि तुम नहा के खाना खाओ। पुराने जमाने के अंदर लोग मेहनत करते थे, शरीर की पसीना निकलता था, पानी की शॉर्टेज थी, इसलिए लोग बहुत फ्रीक्वेंटली नहाते नहीं थे। मगर पीरों ने हमको कहा नहा के खाना खाया करो,
और इसके अंदर बहुत बड़ी मेडिकल बात है। एक दो डॉक्टरों को देख रहा हूँ इधर बैठे हैं, मालूम नहीं डॉक्टरों ने अपनी मेडिसिन में ये पढ़ा था कि नहीं, लेकिन इस्लामी मेडिसिन में है और इंडियन मेडिसिन में भी है कि नहा के खाना खाओ, नहाने से शरीर एक्टिव हो जाता है, सुस्ती निकल जाती है, सर्कुलेशन ब्लड ठीक हो जाता है और आदमी का जो पेट है ना, जिसको हम स्टमक कहते हैं, वो रेडी हो जाता है। नहा के खाना खाओ, लेकिन इसको लेटर के अंदर मत लो, स्पिरिट के अंदर लो। हर रोज जो आदमी सुबह नहा लेता है, फिर उसको हर वक्त दोपहर को खाना खाने से पहले नहाने की जरूरत नहीं। लेकिन उस जमाने में जिसको 600 साल पहले जो पैटर्न थी हमारी लाइफ की, उस जमाने के अंदर लोग एक ही वक्त खाते थे, इसलिए कभी बीमार नहीं पड़ते थे। अच्छा, का बीमारियां ओवर ईटिंग से होती हैं, शायद इससे भी ज्यादा। वो लोग के जो इस मुल्क के अंदर भी एक ही तक खाते हैं, यानी एक मेन कोर्स ले लिया, 4 बजे खावे, 5 बजे खावे, 6 बजे खावे, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है कि शाम को जमात खाने जाने से पहले खा लेना चाहिए। जो जवान आदमी है वो शायद 2 दफा खाने, लेकिन एक सॉलिड कोर्स का मील होना चाहिए और उसके बाद आप थोड़ी सी बाइटिंग करते रहो, फ्रूट खाते रहो, तंदुरुस्त रहोगे। तो फिर कहते हैं दूसरी क्रिया यह है कि तुम नहा के खाओ, इसका यह भी मतलब है कि क्लीन होके खाओ, हाथ भी धो लिया करो। मौला फरमाया रसूलुल्लाह की हदीस में है कि हाथ धो के खाना खाया करो, क्योंकि हाथ में बैक्टीरिया और जर्म्स होते हैं। सत्य चालो समय दिवस में रात, रात दिन, अभी तीसरी क्रिया है ये। रात और दिन फरमाया तुम सच के ऊपर चलो, सच का मतलब है ईमान, अपने ईमान को ध्यान में रखो। 3 महीने पहले मौलाना हजरत इमाम स्टेट्स में गए नवंबर में, तो हजरत इमाम ने 4 जगह जहां विजिट की, अपने मुरीदों को फरमाया कि तुम इस मुल्क के अंदर आए हो कि जिस मुल्क के अंदर इस्लाम का इमेज खराब है, यहाँ के लोग मीडिया की खातिर, पॉलिटिकल हालत की खातिर इस्लाम को खराब समझते हैं, एक पॉलिटिकल फोर्स समझते हैं, या इस्लाम को ऐसा समझते हैं कि ये रूड आदमियों का, लड़वाइयों का, बदमाशों का मजहब है। बोला फरमाया तुम, यानी इस्माइली, अच्छे बनके, नेक बनके, पाक बनके, ऑनेस्ट बनके, अपराइट कैरेक्टर वाले बनके, यूनाइटेड रह के इन लोगों के ऊपर छाप डालो, इम्प्रेस करो इनको कि इस्लाम जो है वो सच्चा दीन है। मौला फरमाया सारा दिन, सुबह शाम को तो तुम दुआ वगैरह पढ़ते हो, लेकिन सारा दिन भी तुम अल्लाह अल्लाह करते रहो, याली याली करते रहो, या मोहम्मद करते रहो, कोई भी इमाम का नाम लेते रहो। मतलब यह है कि तुम अपनी रूहानी साइड को ओपन रखो ताकि तुम्हारे दिल के अंदर रूहानियत पैदा हो, गए खुदा के साथ तुम्हारा कॉन्टेक्ट चालू रहे, जिससे बलाएं दूर होती हैं, मुश्किलें आसान होती हैं। तो इधर भी ये यही कहते हैं कि तुम सत्य चालो तमें दिवस में रात, कूड़ कपट नहीं मेलो घात। घात कहते हैं किसी चीज के लिए प्लान करना, कूड़, कूड़ कहते हैं झूठी चीज को, और कूड़ का मतलब खोटाई, हिपोक्रेसी, और कपट जो होता है उसको कहते हैं हम लोग जेलेसी, विंडिक्टिवनेस कपट में आती है। कपटी आदमी अपने मन की हेट्रेड, बदला लेना छोड़ेगा नहीं। तो फरमाया कि तुम कूड़ और कपट को छोड़ दो। 5वीं क्रिया है दया पालो तमें दिल सो जानी रे भाई, सुपात्र दान दीजे फरमाई। अपने दिल में दया रखो, दया कहते हैं रहम करो, बी काइंड, किसी के ऊपर भी जुल्म मत करो, काइंड बनो, दया वाले बनो,
سب کے اوپر دیا رکھو. رسول اللہ کے زمانے کے اندر جو عرب تھے وہ نردے تھے. نردے کا مطلب جس میں دیا نہیں تھی. وہ کیسے روڈ تھے کہ گائیں بکرے بیل جا رہے ہیں چرنے کے لیے, اس کو بھوک لگی, چھری نکال کے گائے یا بکری کے پڑکھے سے ایسا مار کے تھوڑا گوشت لے لے رہے اور اس کو بھون کے یا کچا کھا جائے, اور وہ بیل بیچارہ تڑپ رہا ہے. یہ تو ٹھیک ہے, جانور کے اوپر ہے. کسی کو جمائی نہ بناؤں, داماد نہ بناؤں اور میرا منہ نیچا نہ ہوئے, اس کارن سے چھوکری پیدا ہوئے عورت کو, تو اسی وقت وہ چھوکری کو لے جاتے زندہ زمین میں دفن کر دیتے. ایسے ظالم لوگ تھے. ان کے اندر نبی رسول اللہ کھڑے ہوئے اور ان کو اپنی واضح کر کے آہستہ آہستہ اپنے سلوک سے ان کو انسان بنایا. نبی کی آپ جو کبھی لائف پڑھو تو گندارو اس کے اندر ایسی بے حساب باتیں آتی ہیں کہ رسول اللہ نے کتنے دکھ اٹھائے. تو یہ فرمایا ہے کہ تم اپنے دل میں دیا پالو, اپنے دل کے اندر دیا رکھو, رحم مرسی فل بنو, بی کائنڈ ٹو اگر سوپاتر دان دیجیے فرمانی, اور تم اپنی خیرات تمہاری جو چیریٹی ہے اس کو دو کہ جو سوپاتر ہے. سوپاتر کہتے ہیں کہ جہاں تمہاری چیریٹی پھلے, جو اس کو لینے کا حقدار ہے, جس سے فائدہ ہو گئے. شراب کی بوتل خریدی, معلوم نہیں کتنے ڈالر کی ہے, شاید کسی کو پتا ہوگا, لیکن دو ڈھائی تین ڈالر کی ہوئے کہ کتنے بھی ڈالر کی ہوئے, یہ پیسے جو ہیں شراب میں گئے. شراب میں کیا ہوا, جب یہ پیٹ میں گئی تو شراب ہماری نس ناڑیوں کو الیس کر دیتی ہے, بڑا کر دیتی ہے, بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے, سرکولیشن زیادہ ہو جاتا ہے. اس کے اندر جو ٹاکسک میٹر ہے اس کی وجہ سے انسان کے دماغ میں ایک قسم کی ایکسٹیسی جیسی, پلیجر جیسی حالت پیدا ہوتی ہے. میں نے شراب کبھی پی نہیں ہے مولا کی رحمت, لیکن شرابیوں کو دیکھا ہے. آدمی سمجھتا ہے میرے سب غم دور ہو گئے, لیکن نروس سسٹم بگڑ گیا. اور جو جو انسان شراب پیتا ہے تو نروس سسٹم کمزور ہوتا جاتا ہے. نروس سسٹم کمزور ہوتے ہوتے اس کے ساتھ یہ اثر ہوتا ہے کہ ہمارے جو بہت پرومیننٹ گلینڈز ہیں وہ ویک ہو جاتے ہیں, ان کی سیکریشن بدل جاتی ہے. پھر ہمارے لیور کے اوپر شراب کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ لیور کے اندر چھید پڑ جاتے ہیں, ہول ہو جاتے ہیں, اور ہارٹ ویک ہو جاتا ہے. انسان آہستہ آہستہ اپنی اصلیت چھوڑ کے جب وہ شراب کے نشے میں ہوتا ہے اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ میری ماں کون ہے اور میری بہن کون ہے اور میری بیوی کون ہے. تو خدا تعالیٰ نے ہمیں بہت سی بدیوں برائیوں سے بچانے کے لیے ایسی باتیں کی ہیں. یا دیکھو وہ پیسے جو اس نے کمائی کر کے شراب کی بوتل میں ڈالے, کبھی یہی پیسے اس نے کسی بچے کو ایجوکیشن کرنے کے لیے لینے کے لیے کنٹریبیوٹ کیے ہوئے, تو اب آپ ہی بتاؤ کہ ان دونوں میں کتنا ڈفرنس ہے. کوئی ایک غریب شخص ہے, یہاں کا ٹھیک ہے کہ گورنمنٹ ہم کو ہماری ہیلتھ کے اندر مدد کرتی ہے, لیکن ان ملکوں کے اندر کے جہاں کوئی دوا دارو دینے والا نہیں, وہاں کبھی ہم نے کسی بیمار کو دوا خرید کر دی, وہ پیسے خدا کے دربار میں مانے جاتے ہیں. کوئی جگار میں خرچ کرتا ہے, کوئی ویشیاں اور رنڈیوں میں خرچ کرتا ہے, کوئی شراب میں خرچ کرتا ہے, کوئی ڈرگس میں خرچ کرتا ہے دوسری سائڈ میں, کوئی کسی بچے کو ایجوکیشن میں مدد کرتا ہے, کسی غریب کو دوا میں مدد کرتا ہے, کسی اکیلے بوڑھے ماں باپ کی سیوا کرتا ہے, کسی ودھوا کی سیوا کرتا ہے,
इन अच्छी बातों के ऊपर उसका पैसा जाता है, क्योंकि उसकी कमाई हलाल की है, मगर हराम की कमाई हराम रास्ते पे जाती है। वो लोग जो शराब पीते हैं, वो लोग जो बदियों के अंदर पैसे खर्च करते हैं, कभी आराम से बैठ के देखें तो जरूर उसकी कमानी में से थोड़ा सा पार्ट ऐसा है जो हलाल का नहीं। अल्लाह फरमाया है हलाल की चीज हलाल साइड में ही जाएगी, हराम की चीज हराम साइड में जाएगी। आज क्यों हमारी फैमिली लाइफ खराब हो गई? इसलिए कि हमारा लुकमा पाक नहीं, हम जो खाते हैं वो पाक नहीं, इसलिए हमारे ख्यालात भी नापाक होते हैं। हलाल की कमाई खाने वाले इंसान, उनके विचार भी थॉट भी अच्छे होते हैं, उसमें ह्यूमिलिटी होती है, काइंडनेस होती है, पोलाइटनेस होती है, वो आदमी के अंदर अच्छी क्वालिटीज होती हैं। हरि गुण संत सदा सिरमौरे, उसके अंदर खुदा की एट्रीब्यूट थोड़े थोड़े, भले लो लेवल के पर, लेकिन उसमें खुदा के एट्रीब्यूट आते हैं, वो खुदा की तरह बनता जाता है। सुपात्र का एक और भी मतलब है, हमारा इमाम है वो सुपात्र है, मोमन है सुपात्र है। हम दसवन इमाम को देते हैं और मोमनों के भी हम मेहमानी करते हैं, आप एक दूसरे को हम खिलाते पिलाते हैं। हमारे मजहब के अंदर, इस्माइली तरीके के अंदर एक दूसरे को खिलाने पिलाने की बातें बहुत हैं। कि सदरुद्दीन ने जैसे न्याय आपको कहा कि सारा घिनान मेहमान के ऊपर लिखा है कि तुम्हारे ही मजहब का, तुम्हारा ही दीन भाई कोई मेहमान बन के आवे तो समझो कि हजरत इमाम की तरफ से एक आदमी आया है, एक वकील आया है। अब वो घिनान कितना मीठा है, सारा घिनान मैंने वाज की हुई है, लेकिन आपको एक दो पास तरफ सुनाता हूं। श्याम तन अभियागत आवे विना, श्याम तन अभियागत आवे विना, तिनको मैं लागूंगी पहिया हो जी रे भैया। मेरे मौला का कोई आदमी जो मोमन है, जब वो मेरे घर में मेहमान बन के आवे तो मैं उसके पांव लगूं, यानी उसकी मैं इतनी इज्जत करूं। आपे उठी तेने बेसन दीजे विरा, आपे उठी तेने बेसन दीजे विरा, सो ही तुम्हारा धर्म लखैया हो जी रे भैया। बहुत सी किताबों में और बोलने वाले यहाँ आपे उठी शाह ने बेसन दिए, शाह नहीं तेने, क्योंकि वो तो शाम का भेजा हुआ है इमाम की तरफ से, शाम यानी मौला। शाम प्यारे को भी कहते हैं, हमारा सबसे प्यारा मौला के सिवा और कोई नहीं। लेकिन कभी ऐसा मान लो दुनिया के अंदर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, और जब हमारे प्यारे का कोई प्यारा हमारे घर में आता है तो हम उसकी भी इज्जत करते हैं। बच्चा स्कूल से आया, अपना एक दोस्त साथ ले आया, माँ को कहते अम्मा मेरा दोस्त आया, भले आओ बेटा, आओ बैठो, दोनों बैठ के खाना खाओ। तो माँ अपने बेटे की मोहब्बत की खातिर अपने बेटे का जो प्यारा है उससे भी प्यार करती है। तो हम मोमन हजर इमाम को चाहते हैं, तो जो आदमी हजर इमाम से प्यार करते हैं हम उनसे भी प्यार करते हैं, तो हम आपस के अंदर भी प्यार करते हैं, हम एक दूसरे को खिलाते पिलाते मेहमानी करते हैं। ये सुपात्र दान है, ये किस्म की चैरिटी है। हमारा पैसा, कोई हमारा मोमन घर पे आके चाय का कप पिए, एक कुकी खावे जिसको हम बिस्किट कहते हैं, थोड़ा सा कुछ भी पी ले रहे, पानी का गिलास भी पी ले रहे, दूध पी ले रहे, हमारा दिल खुश होता है। हमारी प्रथा है, हमारी ट्रेडिशन है दीनदारों, कि हमारे घर में कोई मेहमान आता है हम उसको कभी भी कुछ दिए बगैर वापस नहीं भेजते, कुछ नहीं तो पानी का गिलास भी पिलाओ, मगर पिलाओ, ये हमारी ट्रेडिशन है। तो पीर का ये कहना इधर कि तुम सुपात्र दान दो, कि जो आदमी अच्छा है, नेक है,
उसको ध्यान रख के वहां खिलाओ। पर तक जानी ने पास रही है सतगुर वचन हृदा माए ग्रही है। पर तक जानी हाजर इमाम को हाजर नाजर समझ के वो हमारे साथ है हर वक्त। उस मौला के इस कॉन्शियसनेस में रहो, मेरा मौला मेरे साथ है। ये जो कॉन्शियसनेस है ये इंसान को बहुत ताकत वाला बनाती है। वो किसी से डरता नहीं, उसको कोई खौफ नहीं, उसने कभी झूठ नहीं बोला, उसने किसी का माल नहीं खाया, उसके दिल में राहत है, वो ताकत वाला है, मौला उसके साथ है। पर तक जानी अपने दिल के अंदर फरमाया, पर तक जानी ने पासे रही है सतगुर वचन हृदय में ग्रही है। ग्रह करना मीन्स डाइजेस्ट करना। सतगुर का जो वचन है, पीर ने जो तुमको फरमाया ऐसा करो ऐसा न करो, उसको तुम डाइजेस्ट करो, मतलब उसके ऊपर अमल करो। हजरत मौलाना धानी सलामतदार शाह करीम सलवातुल्लाह अलैहि 73 में बॉम्बे गए। सब मंडलियों टोलियों ने मिलकर एक मेहमानी रखी, उसके फरमान हम कभी कभी पढ़ा करते हैं। मौला फरमाया मजहब के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जिसके लिए तुमको कहा गया है करो, और बात ऐसी बातें हैं कि तुमको कहा गया है ना करो। जो बातें करने वाली हैं करो, और जो ना करने वाली हैं वो ना करो। तो ये भी यही है कि गुरु के वचन के ऊपर अमल करो। वडाई पनानू गर्व न करी है, दसमी क्रिया कहीं क्रोध न करी है। बड़ाई मत करो, मगरूर और प्राइड प्राउड ना बनो। आदमी के अंदर मगरूरी और बड़ाई जब आती है तो इंसान को फिर खराबी की तरफ ले जाती है। मौलाना हाजर इमाम एक फरमान ने फरमाया, ऐसे बहुत से लोग हैं कि जो काउंसिल के मेंबर बनने के लिए, टाइटल लेने के लिए, जब्बे लेने के लिए, मेडल लेने के लिए भागते हैं। माँ बाप फरमाया ये बात अच्छी नहीं, बड़ाई मांगो मत, खुद आती है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ाई के पीछे नहीं, लेकिन इमाम की मोहब्बत के पीछे जाना है तो आमीन। तो फरमाते हैं बड़ाई पनानु गर्व न करिए। कभी मौला ने तुमको कोई ऐसा बड़ापन दे दिया तो उसके अंदर मगरूर ना बनो, प्राउड ना बनो, हम्बल बनो। और दसवीं क्रिया यह है कि तुम क्रोध ना करो। पीरों ने हमें 5 चीजों के लिए 5 लीडर्स, गुनाहों के जो लीडर्स हैं वो 5 हैं। दुनिया की जितनी भी खराबियां हैं, दुनिया में जितने भी गुनाह हैं, दुनिया में जितनी भी बदमाशियां हैं, उसके 5 लीडर हैं, और वो 5 लीडरों में एक ये क्रोध है। बाकी के जो 4 हैं उसकी आगे आएगी व्याख्या, लेकिन वो हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद। क्रोध तो ये है कि गुस्सा करके किसी को बर्बाद करना। गुस्से के अंदर हम मार धाड़ कर लेते हैं, गुस्सा इंसान की अक्ल की लेवल फौरन बिगाड़ डालता है, अक्ल बिगड़ जाती है, उसकी स्टेबिलिटी निकल जाती है, आदमी हैवान बन जाता है। उस वक्त उसकी पास्ट लाइफ में अगर वो सिंह है, कुत्ता है, भेड़िया है, भेड़िया वुल्फ को कहते हैं, चीता है, सांप है, ऐसे जो खराब जानवर हैं वेरोशियस, और हम उसमें से होके आए हैं, वो हमारी इंस्टिंक्ट में है। भले वो आज से 50,000 पहले हमारा ऐसा अवतार था, मगर वो हमारी इंस्टिंक्ट में है। जो आदमी इबादत बंदगी करके अपने आप को रिफाइन नहीं करता, जो आदमी मजहब के ऊपर चल के अपने विचारों को, हृदय को क्लीन नहीं करता, उसके अंदर वो एनिमल इंस्टिंक्ट रहती है और कभी कभी फिर वो उभर आती है। तो जब क्रोध पैदा होता है तो क्रोध की डिग्रीज हैं, बाज ऐसी डिग्री के ऊपर आ जाता है कि उस वक्त इंसान या तो सिंह की तरह बन जाता है, या कुत्ते की तरह बन जाता है, या एक वुल्फ की तरह बन जाता है, या एक चीते की तरह, लेपर्ड की तरह हो जाता है, और सामने वाले को मार डालने के लिए, बर्बाद कर देने के लिए तैयार होता है। ये क्रोध ही है कि जो दुनिया के अंदर इतने मर्डर हो रहे हैं। कोई किसी का गला दबा देता है, कोई किसी को शूट कर देता है,
वो किसी को पॉइजन दे देता है, किसी को जिंदा जला देता है। क्रोध बहुत बुरी चीज। इस क्रोध के कारण से भी वन ऑफ द रीजन हमारी फैमिली लाइफ बिगड़ती है। औरत के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। शर्म है उस मर्द को कि जो गुस्से में आके अपनी औरत को या लड़की को या बहन को या माँ को पीटे। नबी ने इस चीज को बहुत कंडेम किया है, औरत के ऊपर कभी हाथ मत उठाओ। लेकिन कभी कभी औरत मर्द को मजबूर कर देती है, उस तरह समझते हैं ब्लेड, रेजर ब्लेड की तरह। बाज़ औरतों की जबान होती है कि जो जिगर को काट डालती है, और मर्द को गुस्सा आ जाता है फिर वो मारता है। मर्द के हाथ, औरत की जबान, ये दोनों खतरनाक है। और इन्हीं दोनों के कारण से हमारी फैमिली लाइफ बिगड़ती है। बहुत सी चीजें टॉलरेंस के कारण से, सहन करने के कारण से, पेशेंस रखने के कारण से, सब्र के कारण से। ए मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुमको मैं कहता हूं, खुदा ने तुमको बहुत सॉफ्ट और पाक दिल दिया है। मर्द में बदमाशी, लुच्चाई, गंदगी जागती है, लेकिन औरतों में पाकीजगी ज्यादा है। अगर तुम सब्र कर लो, अगर तुम शांत हो जाओ, तो बहुत से खराब मकाम ठीक हो जाएंगे, बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। एक मियां बीवी का झगड़ा था, मर्द गुस्से वाला था। औरत हमेशा दुआएं मांगे जब वो गुस्सा करे, उसके मन में कि जैसे धरती कंप आता है, कांपती हो गए बेचारी। लेकिन इंसान है ना, कभी कभी सामने तू तू मैं कर डाले तो उसको गुस्सा आ गए तो वो पीटना शुरू करे। एक दिन महात्मा बुद्ध, कि मेरा मर्द जो है ना वो ठंडा हो जाए, बहुत क्रोधी है बापा, बहुत क्रोधी है। महात्मा बुद्ध अंदर जाके एक सुपारी ले आए। बेटा मैं तेरे को मंत्र करके ये सुपारी देता हूं, जब भी तेरा मर्द गुस्सा करे ना तो ये सुपारी मुंह में डालना, मगर देखो ये सुपारी खाना मत, चबाना मत। जब वो ठंडा हो जावे तो इसको निकाल के धो के फिर रख दो। घर आ गई, दो तीन दिन हुए, बिजनेस के कारण से, ग्राहकों के साथ या कोई और कारण से मैनेजर ने बुलाया, भाई ओवरड्रॉ बहुत हो गया, तुम जल्दी दो नहीं तो मैं घर बेच दूंगा। अब मर्द बेचारा टेंशन में आ गया। अब वो इस फिक्र में है कि उस आदमी को वो पैसे भरने हैं जो ओवरड्रॉ लिया है। और घर जो आया तो बीवी ने कहा, कितने दिन हुए, मैंने कहा मुझे साड़ी लेनी है, क्यों अभी तक मुझको लेके नहीं दी। अब देखो, एक तो आग जल रही है, ऊपर तेल डाल दिया। ऐसे झगड़े जिसमें कोई वजह नहीं होती हो जाते। गुस्से से घर आया, जैसे ही वो गुस्सा शुरू किया, ये अंदर भाग के गई, सुपारी मुंह में डाली। अब इतनी बड़ी सुपारी मुंह में बोल तो नहीं सकती। वो बोलता रहा, इसने कोई जवाब नहीं सुना। तो खुद ही हंस के कहते, क्या बात है, आज तू बोलती नहीं। अब जो उसको हंसता हुआ देख के तो बड़ी खुश हुई, हाँ महात्मा बुद्ध ने मेरे को मंत्र दिया, भी मंत्र सुपारी में नहीं है, तेरी मुंह में है। तो दिनदारों, क्रोध है ना वो बड़ी बुरी चीज है। इंसान को कभी कभी खोटा गुस्सा करना चाहिए। बच्चे मस्ती तूफान कर रहे हैं और बाप जरा खोटा गुस्सा करके आंख निकालता है, बहुत जरूरी है, इट्स नेसेसरी। लेकिन वो गुस्सा बाप के दिमाग में नहीं है, वो तो खाली नाक के ऊपर है डराने के लिए। ऐसा गुस्सा खराब नहीं कि जिससे कोई सुधरता हो, मगर क्रोध इंसान के दिल को काला कर देता है, अकल बिगड़ जाती है। ये कहते हैं क्रोध ना करो। दसवीं क्रिया यह है कि कहीं क्रोध न करिए। सर्जिया हो तो सतगुरु ने मली रे भाई, सर्जिया हो तो सतगुरु ने मली है। धर्म तणू
خالق نہ کریں. اگر تمہاری قسمت میں ہوئے, اور قسمت میں کیسے ہوئے, آپ عمل کرو گے تو قسمت بدلتی جائے گی, ڈیبٹ ہے وہ کریڈٹ ہو جائے گا. سرجیا ہوئے تو ستگر نے ملیے, ہماری اچھی قسمت ہوئے کہ ہم کو مولا ملے. اور دھرم تنو آلس نہ کریے. بارہویں کریا یہ ہے کہ مذہب کے اوپر عمل کرنے میں سستی نہیں کرو. آلس کہتے ہیں لیزی پنے کو, مذہب کے اندر لیزی مت بنو. تیرہویں کریا ہے نت نت گت ماہے ملیے بھائی گرو گرو مخ گت مہے نمو جیائی. نت نت گت مہے ملیے بھائی, چمک خانے میں ہر روز آؤ, اور گرو کے مخ گت مہے نمی جیائی. یعنی گرو کا مخ, جدھر مکھی کمڑیا مکھیانی کمڑیانی بیٹھے ہیں, یہ گرو کا مخ ہے, وہاں نمن کرو, آدھین بن جاؤ. نت نت امی پیے تے نر دھرمی اہنکار مکے تے صدا سکرمی. ہر وقت ہمیشہ آلویز امی پیو. وہ آدمی جو روز نیاز پیتا ہے, فرمایا ہے کہ وہ دھرمی ہے, مومن ہے. اور اہنکار منہ کے تے صدا سکرمی, جو آدمی مغروری چھوڑ دے وے, پرائیڈ چھوڑ دے وے, وہ آدمی مومن اور نیک ہے. امی یعنی نیاز, ہر روز نیاز پیو. ہم کو پیروں نے کہا ہے روز نیاز پیو. سمی سانچ کو ہمارا صرف ویک میں ایک نیاز ہوتا ہے, لیکن صبح کے وقت ہر روز نیاز ہوتا ہے. وہ لوگ کے جو صبح جماعت خانے نہیں جا سکے, تو گھر کے اندر دن دھرو, برش کرو, سب سے پہلے نیاز پیو, اپنے بچوں کو بھی پلاؤ. علی شاہ ماں باپ فرمایا کہ نیاز پینے سے دل صاف ہوتا ہے, نیاز پینے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے, نیاز پینے سے انسان کو عقل آتی ہے, نیاز پینے سے اس کے دل کے اندر ایمان کی محبت پیدا ہوتی ہے. اس کو امی کہا. امی جو پاک اور پوتر ہے, اور دوسرے کو پاک پوتر بنانے والی چیز ہے. لوبھ نہ کرو ایک لنگار پاک دان میں تیرے نردھار. پاک دان سے لوبھ نہ کرنا, نیور بی گریڈی. ایک ماتر جتنا بھی, ایون ایک ڈگری بھی, پھر کہتے ہیں لوبھ نہیں کرنا. لوبھ کا مطلب کنجوسائی بھی ہے. لوبھی اس کو کہتے ہیں جو مائزر ہے. حضرت امام نے بعض منڈلیوں میں فرمایا ہے کہ تم لوبھ نہ کرو, گریڈی مت بنو, اور مدد کرو, خیرات کرو. اور ہمارے مذہب میں, ہمارے دین میں اتنی اچھی بات ہے کہ ہم بچپن سے خرچنا سیکھتے ہیں. چھوٹا بچہ جب جماعت خانے میں لے آتے ہیں, تو ماں اس کے ہاتھ میں ایک دو سینٹ رکھ کے کہتی ہے چل دعا کرا. دو پانچ دس دفعہ آتا ہے, اس کو عادت پڑ جاتی ہے. اب وہ پھر ماں کو یاد کراتا ہے خود ہی, لاؤ مجھے پیسے دو میں دعا کراؤں. جو چھوٹی عمر سے ہم پیسہ خرچنا جانتے ہیں, اگر ہم اپنے مذہب کے اوپر عمل کرتے ہیں تو ہم لوبھیے نہیں بنتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر اس کو دشمن مانا ہے کہ جو آدمی بخیل ہے, مائزر ہے, لوبھی ہے. بخیل عدو اللہ, جو بخیل ہے وہ خدا کا دشمن ہے. خیرات کرنے سے دل بڑا ہوتا ہے, لوبھ کرنے سے دل چھوٹا ہوتا ہے. کئی جو لوبھیے لوگ ہوتے ہیں, وہ سستی سمجھ کے گندی چیزیں, خراب ہو گئی ہیں, سیل ہو گئی ہیں, ایسی چیزیں لے آتے ہیں, اور پھر اس کو کھاتے رہتے ہیں اور بیمار پڑتے ہیں. ذرا سی بھی چیز بگڑ جائے, پھینک دو اس کو, مت کھاؤ. لیکن لوبھی آدمی کھا جائے گا اور پھر وہ بیمار پڑتا ہے. تو اس لیے لوبھ کرنے سے دنیا کا بھی نقصان ہے, دین کا بھی نقصان ہے. لوبھی آدمی جو ہوتے ہیں وہ اپنے مال سے محبت کرتے ہیں,
اس کی نظر میں بیوی بچے یہاں تک کہ خدا بھی کچھ نہیں، وہ مال سے محبت کرتا ہے، مال دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے، تو پھر منع کرتے ہیں کہ تم لوگ بھی بنو پاک دانتے رہو نروان نردھار۔ پاک دانت، دانت کا مطلب نیت، انٹینشن، ہمیشہ پاک نیت رکھو۔ اگر آپ کے پاس کسی آدمی نے کچھ پیسے رکھ دیے ہیں تو یہ ٹرسٹ ہے، اس کو واپس کرو۔ اگر ہم کسی کے گھر پہ گئے ہیں تو کوئی چیز پسند آ گئی، ادھر ادھر دیکھا کوئی ہے نہیں، اٹھا کے کھیسے میں ڈال دیا، دانت خراب، نیت خراب۔ جب نیت خراب ہوتی ہے انسان کی عقل خراب ہو جاتی ہے، وہ آدمی چور بن جاتا ہے، اس کے دل میں بدیاں پیدا ہوتی ہیں، اس کی اچھائیاں نکل جاتی ہیں، دھرم اس کے اوپر اثر نہیں کرتا۔ کبھی کبھی انسان کو دنیا میں بنے ہوئے بناؤ یاد آتے ہیں۔ ایسٹ افریقہ میں ایک جگہ ایک بڑا مالدار آدمی تھا، لیکن سخت کنجوس۔ وہ ایک دفعہ بیمار پڑا، ہارٹ اٹیک ہوا۔ مشہور فگر ہے، نام دوں گا تو آدھے لوگ اس کو جانتے ہیں، مگر پوچھنا مت۔ ہارٹ اٹیک ہوا تو اس نے کہا، یا مولا میرے کو تو بچا لے تو میں 50,000 شلنگ دوں گا اسکول بنانے کے لیے۔ مولا نے کہا اچھا اچھا ہو گیا۔ میں نے، مولا نے اس کو جواب نہیں دیا، اس کی اپلیکیشن کے اوپر لکھ دیا پاس۔ اچھا ہو گیا اور وہ پرومس بھول گیا۔ 2 سال کے بعد واپس ہارٹ اٹیک ہوا، اب تو اس کو وہ یاد آیا، بہت رویا، کہتا یا مولا میں معافی مانگتا ہوں، وہ بھول گیا، حالانکہ 50,000 شلنگ کے اوپر، میں یہ 1942-43 کی بات کرتا ہوں، اس وقت کا 50,000 سچ مچ بہت بڑی چیز تھی، لیکن 2 برس کا اس نے ویاج کھا لیا، اور یہ ویاج مولا کی ملکت ہے کیونکہ اس نے 50,000 دینے کا وعدہ کیا۔ اب جب سیکنڈ ہارٹ اٹیک ہوا تو گڑ گڑانے لگا، یا مولا میری بھول ہو گئی، تو دیا والا ہے، رحم والا ہے، میں پرومس کرتا ہوں کہ ابھی جو میں اچھا ہو جاؤں تو میں فوراً یہ 50,000 دے دوں گا۔ اچھا ہو گیا، مولا تو رحم والا ہے نا، اچھا ہو گیا، اور سچ مچ یہ 50,000 اس نے مولا کو دیے۔ مولا پوچھا کیا کرنا ہے، یعنی یہ سب کورسپونڈنس میں ہو رہا ہے، مولا کو عریضہ بھیجا کہ 50,000 دیے، کاؤنسل کے اندر جواب آیا، اس کو دعا شیش ملی، اس کو پوچھو اس کی کوئی تمنا ہے، کہا میری تمنا یہ ہے کہ ایک اسکول بنایا جائے بچوں کے لیے۔ اچھا، مولا نے اپروو کیا، اور آپ کو تو معلوم ہے کبھی ایک 50,000 آدمی دے رہے کوئی اسکول کے لیے تو دوسرے 50 مولا دیتے ہیں، 1,00,000 روپیہ 1,00,000 شلنگ ہوا، پلان وغیرہ بنائے گئے، اسکول چالو ہوئی۔ لیکن جب اسکول چالو ہوئی تب پتہ لگا کہ 1,00,000 شلنگ میں اسکول بنے کی نہیں، 1,20,000 شاید چاہیے۔ تو ماں باپ نے کاؤنسل کو لکھا کہ اس کو بولو کہ 50,000 میں اسکول 1,00,000 میں نہیں بنتی، اور تم دو دس میں دیتا ہوں۔ اس نے منع کر دیا، میری 50,000 کی نیت تھی، میں کچھ نہیں دوں گا۔ ماں باپ نے ایک اور آدمی کو اس کے پاس پرسنل بھیجا کے دے، تیری یہ نیت تھی اور ساتھ تم دو ساتھ میں دیتا ہوں، کہتا نہیں۔ اچھا، مولا نے سن کر دیے اور اسکول پوری ہوئی۔ یہ آدمی کچھ برسوں کے بعد گزر گیا، اس کے تین بیٹے، دو ایک ماں سے، ایک ماں سے، لاکھوں کی ملکت۔ ایک بیٹا ڈرگ میں پڑ گیا، پڑھا لکھا کچھ نہیں۔ دوسرا بیٹا جگاڑ میں پڑ گیا، وہ بھی ختم ہوا۔
तीसरे बेटे ने कुछ काम ही नहीं किया, भाड़े वाड़े के ऊपर नीपते रहे। 10 बरस के अंदर सारी मिलकत उस जमाने के अंदर 40 लाख शिलिंग की मिलकत सब खत्म हो गई। कहां चली गई पता भी नहीं लगा। उसने न कभी दान किया न कभी कुछ किया। ये 50,000 दान नहीं है, ये तो उसने अपनी लाइफ को एक्सटेंड करने की फी दी है। दान में नहीं आती, दान तो वो है कि इंसान राजी खुशी से दे जाए। ब्लैकमेलिंग के अंदर जो चीज दी जाती है उसका कुछ नहीं होता। फिर कहते हैं लोभी बिल्कुल मत बनो और पाक दानत रेवो सोई। झूठू आ झूठू रखी सर ने बोला भाई, सेवा अभियागत नी करवी साही रे भाई। 19वीं क्रिया यह है कि जो मोमन है उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप कभी झोंक में बोल ले तो और बात है, उसमें इंटेंशन नहीं, मगर झूठ बोल के हमने किसी को बर्बाद कर दिया, झूठ बोल के दगा किया, झूठ बोल के पैसे लिए, झूठ बोल के हमने अपना मतलब निकाल के दूसरे की खराबी कर दी, ये तो महापाप है। झूठ नहीं बोलना चाहिए। और फिर 20वीं क्रिया यह है कि जो अभियागत है, अभियागत मेहमान को कहते हैं। मैंने आपके सामने शाम ताना अभियागत आवे मेरा, अभियागत यानी मेहमान, तुम्हारे घर में मेहमान आवे फरमाया उसकी सेवा करो। सेवा की बात आई तो दीनदारों हमारे मजहब की हमारी जमात की जो अच्छी खूबियां हैं उनमें एक खूबी यह है कि हमारी जमात सेवा भावी है। ये जो वॉलंटरी सेवा हमारे अंदर है दुनिया की कोई ग्रुप और कम्युनिटी में नहीं है। थोड़ी थोड़ी है लेकिन हमारे यहां तो बहुत अच्छी है और इमाम इस चीज की कदर करते हैं। हमारे भी इधर देखो वॉलंटियर हैं, भाइयां भी भाई भी मुफ्त काम करते हैं, मेहनत करते हैं, ठंडी के अंदर गर्मी के अंदर बरसात के अंदर जमात की सेवा करते हैं। शाबाश है उनको, बोला उनके ऊपर सजा राजी रहे और सुखी आबाद रखे। लेकिन सेवा अगर सेवा सेवा के हिसाब से की गई तो बहुत अच्छा, लेकिन सेवा भावी अगर ऐसा है कि वो मगरूर हो जाए रूड बन जाए तो वो सेवा नहीं। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह घर से निकल के बॉम्बे के दरखाना की तरफ जा रहे थे। जो बॉम्बे जिन्होंने देखा है उनको मालूम है कि भीमपुरा से ऐसा राइट हैंड ले लो तो ये खड़क है ना, यहाँ जमात खाना है अपना। लोग चले आते थे, एक मोमना औरत एक बच्चा उसके खोड़े में था यानी गोद में उठाई हुई थी और 2-3 बच्चे उसके पीछे थे, चंपल पांव में फटाफट जा रही थी। लेट हो गए, विसल हो गई कि हजर इमाम की गाड़ी आती है। अब ये औरत ने देखा कि मैं कभी सामने चली जाऊंगी तो मेरे लिए इजी हो जाएगा जमात खाने में दाखिल होना। तो जैसे ये नजदीक पहुंची साहब की गाड़ी नजदीक आ गई, एक वॉलंटियर जो खड़ा था उसने घसीट के इस औरत को पीछे ड्रैग करके फेंक दिया। बच्चा बेचारा गिर गया, खुद भी गिरते गिरते बची। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने उधर ही गाड़ी खड़ी करवाई। ड्राइवर हेनरी था साहब का, उसको कहा स्टॉप कार, तो हेनरी ने फौरन ब्रेक लगाई। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दरवाजा खोल के बाहर निकल आए। कर्नल पीर मोहम्मद माधानी, मुखी कमड़िया, 2-3 गाड़ियां पीछे, पुलिस की गाड़ी आ गई, सब खड़ी हो गई, हजारों लोग आ गए। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह लकड़ी लेके बाहर निकले और उस वॉलंटियर को कहा कि इधर इधर मेरे सामने यूनिफॉर्म उतार डालो। धुरझने लगा, मां बाप ने उसको जोर से कहा यूनिफॉर्म उतारो। उसने कोट निकाला, पेटी निकाली, पतलून निकाली, नीचे वो पाजामा पहना है, सिंगलेट और पाजामे के अंदर खड़ा है। मामा फरमाया तुम्हें सेवा करने का कोई हक नहीं, तुम मेरी गाड़ी स्टॉप कराओ, लेकिन तुम मेरे बच्चों को स्टॉप करा तो, और इस तरह के उसको घसीट के तुमने गिरा दिया, ऐसा वॉलंटियर हमको नहीं चाहिए। कर्नल भाग के आया, हाथ जोड़े मौला को,
اولا گاڑی میں بیٹھ کے جماعت خانے، جماعت خانہ سامنے ہی تھا، اوپر جا کے صاحب نے پھر واپس فرمان کیا، سیوا اگر تم والنٹری سیوا کر رہے ہو تو تمہارے اندر نرماس ہونی چاہیے، جینٹلنس ہونی چاہیے، ہیوملٹی ہونی چاہیے، تم کو کبھی کوئی تھپڑ بھی مار لے رہے تو چپ چاپ سہن کر لو، کیونکہ تم سیوا کے لیے نکلے ہو، تم کوئی حکومت کرنے کے لیے، رولنگ کرنے کے لیے نہیں نکلے ہو۔ جو سیوا بھاوی ہیں، جو والنٹیئرز ہیں، جو کسی بھی طریقے سے جماعت کی سیوا کرتے ہیں، یونیفارم والے اور ود آؤٹ یونیفارم، اس کے اندر پہلی نشانی یہ ہے کہ دے مسٹ بی ہمبل، پولائٹ، ریسپیکٹفل، کائنڈ ہارٹڈ اینڈ ٹالرنٹ، یہ ان کی کوالٹیز ہونی چاہیے۔ مولا نے اوپر جا کے فرمان کی، کرنل پیر محمد مادھانی تھے، اس نے آ کے مولا سے کہا، مولا وہ شوق میں بیمار ہو جائے گا، بہت روتا ہے، معافی مانگتا ہے، بلاؤ۔ دیا رحم کا ساگر ہے، ایجار میں اور سنگلٹ پہنی ہوئی اوپر آیا ہے، شرم کے مارے منہ اونچا نہیں ہوتا، رو رہا تھا، ساری جماعت کے اندر کھڑا ہے۔ مولا فرمایا، دیکھو میرے بچوں کو، یعنی جماعت کو، بالکل تنگ مت کرو، تم کو کبھی کوئی گالی بھی دے دے تو سن لو، تم کو کوئی تھپڑ مار دے دے تو سہن کر لو، کیونکہ تم والنٹیئر ہو، والنٹیئروں کے اندر تیکھاپن نہیں چلتا۔ خیر والنٹیئر نہیں، جو بھی آدمی سیوا کرتے ہیں، مولا کی نظر میں ہم سب غلام ہیں اس کے، سیوا کے اندر خالی والنٹیئر ہی نہیں ہے، اور بھی بہت سے ہیں، ان کے اندر رسپیکٹ ہونی چاہیے، اس کے اندر گڈ بیہیویئر اور مینرز ہونے چاہیے۔ اگر ایک والنٹیئر کو مکھی کامڑیا، جو جماعت میں سب سے بڑے عملدار ہیں، جماعت میں سپریم از مکھی کامڑیا، ایسوسیشن کاؤنسلیں سب اس کے نیچے ہیں، کاؤنسل اپنی جگہ کے اوپر ہے، بڑی ہے، ایسوسیشن اپنی جگہ کے اوپر بڑی ہے، لیکن جماعت کے اندر مکھی کامڑیا ہے، جماعت میں مکھی کامڑیا کی بہت عزت رکھو۔ مجھے مکھی صاحب نے کوئی لاج نہیں دی ہے، مکھی کامڑیا امام کی گادی پہ بیٹھے، بہت عزت رکھو۔ تو امام نے اس کو معاف کیا۔ ہم سب جتنے بھی ہیں، ایک مشنری ہے، اس کے اندر بھی روڈنیس نہیں ہونی چاہیے، کوئی بھی نندا بڑا سب اس کو بلاوے، میٹھے حساب سے بولے، مشنری ایک ماڈل ہے جماعت کے سامنے۔ اگر کوئی مشنری بن کے سگریٹ پیتا ہے، شراب پیتا ہے، عبادت نہیں کرتا، خود دسوں دیتا نہیں ہے، جماعت کا نہیں آتا نہیں ہے، کبھی واز کرتا ہے، اس کو واز کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اسی طرح سے ہماری جماعت کے جتنے بھی لیڈرز ہیں، وہ سب سیوک ہیں حضر امام کے، مکھی کامڑیا حضر امام کی سیوا کرتے ہیں، تو جماعت سنبھالنے کے لیے کرتے ہیں۔ مکھی کامڑیا بھی روڈ ہو جاوے، غصہ ہو جاوے، مکھی کامڑیا کو ایسا ہوئے کہ ہم سپریم ہو گئے، وہ بھی بات برابر نہیں، کاؤنسل والوں کو ایسا لگتا ہوئے کہ ابھی ہم بڑے ہو گئے، تو وہ بھی بات برابر نہیں۔ چھوٹے بڑے جو کچھ بھی ہیں، ہم امام کے غلام ہیں، ہم امام کے لیے کرتے ہیں۔ ہر جتنی بھی لیول ہیں ہماری جماعت خانے، میں نے آپ کو کہا سب سے بڑا مکھی کامڑیا ہے، ادھر سے لے کے ایک معمولی سے والنٹیئر تک، ہم سب حضر امام کے نوکر ہیں، پگار دار نہیں، راضی خوشی سے ہم نے اپنے آپ کو مولا کے پاؤں میں ڈال دیا ہے، ہم والنٹیئر ہیں، امام کے روحانی بچے ہیں، مرید ہیں۔ بامبے کے اندر میں نے تھوڑے دن پہلے اسٹیٹس کے اندر واز میں ایک ذکر کیا، قاسم علی منجی نتھو ہمارے چیف مکھی تھے، جمعرات کا دن تھا، اس دن وہاں جمعرات کو نیاز نکلتی، میں نے کچھ واز کی، نیاز شروع ہوا، نیاز پینے کے لیے اٹھے تو اتنا دھکا پڑا کہ کچھ آگے کے لوگ تھے نا، وہ گر پڑے، نیاز گر گئی، پیالیاں الٹی ہو گئی۔ مکھی منجی کو، قاسم علی منجی مجھ کو بہت برا محسوس ہوا، میرے پاس بیٹھ کے مجھے بولے، مشتری صاحب نیکسٹ ٹائم آپ اس کے اوپر واز کرو گے، دیکھو نیاز کا کیا حال کیا ہے۔ میں نے کہا مکھی صاحب آپ جو اجازت دو تو جماعت کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے میں واز تو کروں گا،
لیکن میں کچھ روپس رسیاں لے کے آؤں تو ہم اس طرح باندھ دیں کہ صرف ایک آدمی ہی اندر جاوے اور دوسری سائڈ سے نکل جاوے. بات پسند آئی. نیکسٹ ویک میں نے وائز بھی کی اور پہلے سے والنٹیئرس کو ارینج کر دیا تھا. جیسے ہی دعا ختم ہوئی والنٹیئرس کھڑے ہو گئے, رسیاں باندھی گئی کہ بھائی سب تم لائن کے اندر آؤ. اچھی طرح سے چل رہا تھا, مکھی صاحب کھڑے سب دیکھ رہے ہیں ارینجمنٹ. ایک آدمی رسی کے نیچے سے ایسا گھس کے اوپر چلا گیا. 20-25 برس کا جوان لڑکا تھا, کپڑے بھی اتنے اچھے نہیں تھے لیکن بڑا طاقت والا میکینک ٹائپ کا لگتا تھا. وہ اندر گھس گیا تو مکھی صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑ کے نکالا. اس نے مکھی کو ایک تماچا لگا دیا. جماعت خانے کے اندر فوراً لوگوں نے اس کو پکڑ دیا, مکھی کو لگایا. ابھی مکھی صاحب دبلے پتلے تھے, چنگنا قد تھا, سونے کی فریم کی چشمہ نکل گیا, پگڑی اتر اتر گئی, لیکن شاباش اس کو. لوگوں نے پگڑی اٹھا کے دی, چشمہ دیا, ہنس کے کہتے ہیں دیکھو جماعت خانے میں ایسا نہیں کرنا چاہیے, لوگوں کو ہم اس کو چھوڑ دو. تو بہت شرمندہ ہوا, بہت معافی مانگی, لیکن مکھی صاحب نے بالکل غصہ نہیں کیا بلکہ سامنے اسمائل کر کے کہتے ہیں بیٹے ایسا نہیں ہونا چاہیے, جماعت خانے کی اور نیاز کی بھی ادبی ہوتی ہے, ایسے ہمارے بیہیویئرز ہونے چاہیے, چھوٹوں کے بھی بڑوں کے بھی, جماعت خانے کے اندر بھی, گھروں کے اندر بھی, اپنی دکانوں کے اوپر بھی اور اپنی آفیسز کے اندر بھی. ہم اچھے بنے, ہم پاک بنے, نیک بنے, جینٹل بنے, ایسے بنو کہ لوگ تم کو دیکھ کے اپنے دل میں بولے آہ یہ لوگ کتنے اچھے ہیں. حضرت امام نے بینکویٹ میں جو لیکچر دیا, اسپیچ کی, سب اس کے اندر کہتے ہیں انشاءاللہ وی ول اوپن اور ڈورز. کون سے ڈورز, کون سے ڈورز سب اوپن کرے گا فیوچر میں؟ جماعت خانے کے. اس کا مطلب کہ ہم ادھر کے رہنے والوں کو کنورٹ کریں گے, آؤ ہمارے مذہب میں آؤ. حضرت امام نے اشارہ کیا. کئی لوگ مجھے پوچھنے بھی آئے, سر صاحب کون سا ڈور؟ میں نے کہا یہ جو ڈور ہے نا جس ہوٹل میں صاحب رہتا ہے یہ دروازے بند ہیں, حضرت امام اس کو کھول دے گا. کہتے ہیں نہیں سر صاحب سچ بولو تو ہمارے مذہب کے دروازے امام کھول دے گا. اور جس طرح پیر صدر الدین کے زمانے کے اندر ہزاروں آدمی اپنے مذہب کے اندر آئے تھے, فیوچر کے اندر ادھر کی پرجھا جو ہے نا وہ اسماعیلی مذہب میں آئے گی. شاید ہو سکتا ہے کہ وہ میجورٹی میں ہو جائیں اور ہم مائنورٹی میں آ جائیں, مگر وہ لوگ جب اندر آ کے یہ دیکھیں کہ کھوجا پالیٹکس اور کھوجا حسد اور یہ بڑائیاں, یہ بھبکے اور یہ کپڑے اور یہ درداگینے خالی شوبھا کے ہیں, یہ وہ دانت ہیں ہاتھی کے جو قیمتی تو ہیں لیکن کھانے کے لیے نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ہمارے دل کے اندر جو سیوا کی جو بھاونا ہے, دن دھارو آپ کو بولوں امام سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں کہ سیوا کا درجہ عبادت جتنا ہے. ہم کو عبادت کرنی چاہیے لیکن عبادت میں جو کچھ خامی رہ جاتی ہے تو سیوا اس خامی کو پورا کرتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سیوا کر لو اور عبادت نہ کرو, عبادت کی خامی کو سیوا پورا کرتی ہے. سیوا کا بہت بڑا درجہ ہے لیکن سیوا کرنے والے کے اندر ہمبلنس ہونی چاہیے, ہیومیلٹی ہونی چاہیے, کائنڈ بننا چاہیے. 21واں پاٹھ ہے, بھوکھیا نے بھوجن آپ جانی, ترسیا نے پن پاؤں پانی. جو بھوکا ہے اس کو کھانا دو, جو پیاسا ہے اس کو پانی پلاؤ. نادا نے وسترا پینے ارتھ جلے ہوں, سگا سوگانی گھاس جیسے ہوں. کوئی ننگا ہے اس کو وستر دو, مطلب کہ جو ڈاؤن پروڈنٹ ہیں, نیچے پڑے ہوئے ہیں لوگ, ان کی مدد کرو. مانیٹری مدد بھی کرو, کسی اور طریقے سے بھی ان کی مدد کرو. اور جو تمہارے سگے کٹمبی ہیں ان کی گھاس سہ لو. گھاس کا مطلب ان کے دکھ اٹھا لو, ان کی مدد کرو. سگا کٹمبی کی مدد کرنا ہمارے اوپر ریلیجس ڈیوٹی اور فرض ہے.
सोगाड़ काखी वीरा क्रोध न करी वो अवगुण करे तासो गुण जय कर वो। तुमको किसी ने 100 गालियां दी फिर कहते हैं कि तुम गुस्से मत हो छोड़ दो उसको, और जिसने तुम्हारे साथ कोई बुराई की है तो तुम उसके साथ भलाई करो। एक आदमी ने पूछा नीचे उतर के मिशनरी सर, पीर ने कहा है 100 गाल साखी कभी 101 करे तो पीटू के ना। तो हम ऐसे भी हैं, यहाँ 100 का मतलब 100 नहीं, एनी अमाउंट, ये एक इडियोमेटिक फ्रेज है। सोगाड़ साखी, साखी मीन्स टॉलरेंस कर, वीरा क्रोध न करी रे भाई अवगुण करे तासो गुण ज करी। कूड़ी नजर कोई पर ना धरी रे भाई पर स्त्री साथ गवान न करी। कितनी अच्छी बात है ये, फरिश्ते बन जावे अगर हम चले तो। वो लोग के जो व्यापार करते हैं फिर कहते हैं ना तुम कमती दो किसी को ना किसी से ज्यादा लो, माल कमती वजन मत करो ज्यादा पैसे मत लो, अदल रखो। कुरान शरीफ में इस चीज को बहुत कंडेम किया गया है कि जो आदमी अपनी बिजनेस की लेती देती के अंदर डिसऑनेस्टी करते हैं खुदा उनके ऊपर बहुत नाराज होता है। फरमाया है कूड़ी नजरे कोई पर ना धरिए, कूड़ी नजर यानी हेट, किसी को हेट न करो किसी को नहीं, और दूसरे की औरत को किडनैप न करो। लेकिन कोई पूछे अच्छा किडनैप नहीं करता दोस्ती करूं, नहीं देता पाठ बनो। 30 पाठ किए हैं मैंने, 10 पाठ और कर दो 100 तो नहीं हो सकेंगे। शायद मैं जाने से पहले बाकी के पूरे करूं। 31वां पाठ है झूठी अजानी ना दीजे गवाही ए कूड़ कपट ना रचिए भाई। किसी के लिए भी झूठी गवाही नहीं दो, रॉन्ग खोटी विटनेस में कभी मत जाओ, चाहे वो कोई भी होवे सगा बाप भी होवे उसके लिए भी झूठी गवाही नहीं दो। कुदरत ने इसमें बहुत बड़ी बुराई रखी है। खुदा ताला ने कुरान शरीफ में भी कहा है कि झूठी गवाही देने वाले को खुदा कंडेम करता है। लेकिन हम किसी बड़े आदमी की लागवक के कारण से हम बहुत से झूठ बोल लेते हैं, झूठी गवाही, एक बात बनी ही नहीं दिखेगा कि हाँ हाँ बराबर है, ये चीज बिल्कुल ठीक नहीं, और इसकी वजह से बहुत कुटुंब बर्बाद हो गए झूठी गवाही देने के लिए। कूड़ कपट न रचिए भाई, और किसी के लिए भी प्लान न करो उसको दुख देने के लिए, उसकी रचना नहीं करो। मुख थकी मारना कहीं लंगार धन व्याज नू न करिए आहार। किसी को बद्दुआ मत करो, किसी को श्राप न दो, किसी को गाली मत दो, ये मुख मार है। फरमाया कि ये चीज अच्छी नहीं, और धन ब्याज न करिए आहार, अपनी धन का जो तुमको ब्याज आवे उसका खाना मत खाओ। तो क्या आपके जो बैंक में पैसे पड़े हैं मैं उसके लिए कह रहा हूं? नहीं। पुराने जमाने के अंदर कुछ लोगों का यही काम था
अब मैंने जिस आदमी की वो 50,000 शिलिंग दिया ना, उसकी जो बात सुनाई ना, उसका कोई काम नहीं था, वो ब्याज में पैसे देता था। कितनी ब्याज? 1940-45 के अंदर मालूम है, वो किसी को 100 शिलिंग देता था तो 5 शिलिंग पहले से काट लेता था एक महीने के एडवांस, 5% महीना, बरस के 60% हो गए। तो वो आदमी कभी पैसे भर सके? इसको बोलते हैं पाकिस्तान में, कहते हैं पठानी ब्याज। पठान लोग हैं ना, छोटे छोटे आदमियों को 10-20 रुपए देते हैं, सब कुछ नहीं, आना रुपया लेंगे, आना मीन 16 आने में से एक आना। तो आप ख्याल करो 7.5% ब्याज महीने का हुआ। तो जिन आदमियों ने अपना बिजनेस बना रखा है, बहुत बड़ी पैसे की रकम पड़ी है और वो ब्याज पे देते हैं और उनका यही खाना है, तो पीर ने इसको कंडेम किया है, सुल्तान मोहम्मद शाह के फरमान में भी मनाई है। लेकिन आपका व्यापार है, आप अपनी रोजी कमा रहे हो, जॉब कर रहे हो, आपके पैसे बैंक के अंदर पड़े हैं और बैंक का जो ब्याज है वो सोसाइटी का ब्याज है, सबके साथ है, वो ब्याज कभी आपको मिलता है, इनकम टैक्स निकाल के, दसवन निकाल के खाओ, नथिंग रॉन्ग। लेकिन ऐसे इस्माइली के जो किसी तंग इस्माइली को उधार देते हैं, बैंक का ब्याज है 8 या 10%, तो ये बापा उसके पास से 20% लेता है, वो ठीक नहीं। मदद करनी है तो मदद करो, नहीं करनी तो बैंक का ब्याज लो, अगर उसमें मदद भी हो जाती है तो। ये ब्याज की जो बात है वो बहुत बुरी बात है। मुख थकी मार न कहिए लंगार, धन ब्याज न करिए हार। 35वीं बात है, हार वकार वकरो करवो नाही, पशु पाली ने ना बेचवो भाई। स्किन और हाइड का व्यापार नहीं करो, स्किन और हाइड का, यानी मरे हुए जानवरों के हड्डियां और उसका जो चमड़ा है, फिर कहते हैं उसका तुम व्यापार न करो। और पशु को पाल के उसको बेचो मत। एक गाय पाली है, बकरा पाला है, खुदा के राह में उसको कुर्बान कर सकते हो, उसका दूध पियो, लेकिन उसको बेचो नहीं। और कभी जरूरत पड़ती है तो मार के उसका गोश्त खा सकते हो, लेकिन पाले हुए पशु को बेचना नहीं। 37 है, धरनी तवू मूल न करिए छे माता, कन्या तनी रखे ध्रुवेज खाता। धरनी तनु मूल न करिए छे माता, यानी यह है गाय की तरफ इशारा है कि गाय को बेचो मत, क्योंकि ये माता समान है। माता समान इसलिए है कि हम इसका दूध पीते हैं। तो दूसरी बात में फरमाते हैं कि कन्या तनी रखे ध्रुवीज खाता, और बिल्कुल रखे खाओ, मीन्स लेस यू डू इट। वो क्या है, बाज ऐसे लोग हैं अपनी लड़की का ब्याह करते हैं ना तो पैसे लेते हैं, पीर ने मना किया है, लड़की के पैसे मत लो। हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं में यह रिवाज है, यानी लड़की को बेचो मत, वो तुम्हारी लड़की है, तुम्हारा खून है। दया आमीने की जय उपकार, 40वीं क्रिया पालवी निर्धार। दया रखो हमेशा अपने दिल में, मर्सी रखो, रहम करो, और दूसरे के ऊपर एहसान करो, लोगों को ओब्लाइज करो, लेकिन फिर उसको दिल में बदला मत मांगो, फ्रीली लोगों की मदद करो। और फरमाया कि ये 40वीं क्रिया पालवी निर्धार, 40वीं जो क्रिया है वो बराबर इस पे अमल करो। लांच न खाइए वीरा एक रत्ती, झूठों खत न राखिए सती। लांच नहीं खानी, रुश्वत नहीं खानी। जो आदमी रुश्वत खाते हैं वो सुखी नहीं रहते। अपना हक खाओ, ऑनेस्ट बनो। अगर तंगी है तो खुदा को कहो, मौला मेरे पैसे पूरे नहीं होते, मेरा राजक तू है। हम घर में एक कुत्ता पालते हैं,
तो उसके लिए गोश्त और सब खाने की चीजें लाते हैं। हम अपने कुत्ते को भूखा नहीं रखते। कभी हमें पैसे की तंगी है तो खुदा के पास करो, मगर लुच्चाई नहीं करो, दगा फरेब चोरी नहीं करो। इसी तरह फरमाया लांच मत खाओ। लांच खाना भी एक किस्म की चोरी है, लांच रिश्वत को कहते हैं। और झूठो खत न रखिए सती, किसी आदमी की तरफ से या अपनी तरफ से कोई भी एग्रीमेंट झूठा मत करो, दगा फरेब वाला एग्रीमेंट मत करो। कोई अभन आदमी आ गया, बेचारे ने अंगूठा लगा दिया तुम्हारे ऊपर विश्वास रख के, और कभी तुमने उसके साथ दगा किया तो खुदा बहुत नाराज होता है। मैदान गई पांच आसन, पांच आचमन करिए, पानी लहने लगवित जे करिए। तुमको टॉयलेट लगे, वो जमाने के अंदर ऐसे मकान और ऐसे वॉशरूम तो थे नहीं, तो फिर फरमाते हैं गांव के बाहर जाओ जंगल में, वहां जाके अपने आप को रिलीव करो और पेशाब के पाखाना करो तो पानी का उपयोग करो, मतलब कि तुम्हारी शारीरिक हालत पाक साफ होनी चाहिए। कुरान शरीफ के अंदर भी इसके ऊपर बड़ा जोर दिया गया है कि तुम अपनी टॉयलेट और जो नेचुरल कॉल्स हैं उसके अंदर पानी यूज करो। कभी पानी नहीं मिलता है तो प्योर मिट्टी या पत्थर यूज करो, आजकल टॉयलेट पेपर हैं, इट्स ऑलराइट, लेकिन उसके बाद पानी होना चाहिए, नहीं तो बीमारियां होंगी। हमारे घरों के अंदर इस बात के लिए तजवीज होनी चाहिए। हम मुसलमान हैं दीनदारों, ये गोरे लोग शायद नहीं रखते, कभी पास निकल जाते हैं। मालूम है ये वेस्टर्न कंट्रीज में परफ्यूम ज्यादा क्यों यूज होती है, इसीलिए। लेकिन हम लोग जो हैं हम पाक साफ रहते हैं, हम हर रोज नहाते धोते हैं। और फिर फरमाया पानी का उपयोग करो। हाँ, किसी ऐसी हालत में मजबूरी हो गई तो पानी नहीं मिला ना सही, लघवित कहते हैं आदमी जो अपने आप को रिलीव करे नेचुरल कॉल से। आगमन प्रण करवा सही, अशुद्ध देह रखवी नहीं। नेचुरल कॉल से रिलीव होके फरमाया फिर तुम वुजू करो, हाथ मुंह धो, पाक साफ हो जाओ और अपनी शरीर को गंदा कभी मत रखो। अशुद्ध देह रखवी नहीं, हर रोज नहाओ, जरूर नहाओ। माटी लेने धोवा हाथ, नहीं करे तो नहीं थाए पाक। और मिट्टी से अपने हाथ धो के पाक करो। वो जमाने के अंदर साबुन नहीं था, लेकिन आज हम साबुन जो है सोप यूज करते हैं, तो हमें अभी मिट्टी लेके घर में रखने की कोई जरूरत नहीं। वन गाड़ियों ना पीऊं पानी, जीव जंतु ना मारिए जानी। पानी भी जो है वो अच्छी तरह से क्लीन करके फिल्टर करके पियो, क्योंकि उसके अंदर जीव जंतु बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, और दूसरे जीव जंतु को दूसरे जानवरों को भी मारो मत, सिवा के उसकी जरूरत होवे। मगर उसका ये मतलब नहीं है कि आप मच्छर की दवा न लगाओ, नहीं तो मच्छर हमको मार डालेगा। तो देखो ये 50 क्रिया इधर हो गई। दीनदारों, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने अच्छी तरह मुझे सुना, आपकी बड़ी मेहरबानी। इंशाल्लाह बाकी की 50 बातें भी ट्राई करूंगा कि किसी और जमात खानी के अंदर या इधर ही कभी कुछ पूरी कर सकें। मौला आपको सुखी आबाद करें, दीन में दुनिया में आपसे राजी हो रहे, बरकतें दे रहे, मुरादें पूरी करे, आफतें बलाएं मुश्किलें दफा करे, जुमले जमातों में, कुटुम्ब कबीले में, मियां बीवी में, भाई भाई में, बहन भाई में, आपस में सलासल मोहब्बत दे रहे, अपना फरमान बरदार मोमन बनावे, दर्शन सुकृत में पूरा रखे। मौला आपका ईमान बढ़ाता रहे, इज्जत बढ़ाता रहे, रोजी कमानी बढ़ाता रहे। मौला आपकी तंदुरुस्ती बढ़ाता रहे, दीन में दुनिया में बरकतें दे रहे, हमेशा राजी रहे, सुबह शाम जमात खाने आने की तौफीक दे रहे, हर बात उनकी दार नसीब करे। हर